एक्साइटेड फॉर दुबई सफारी क्योंकि वो मुझे बच्चों वाली जगह लग रही है एकदम. दिस वॉज नॉट इन आवर प्लान, हमें आज डेजर्ट सफारी करना था, बट एनी वे नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम दुबई आएंगे. दुबई वैसे भी पास में, आप कभी भी आ सकते हो. दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे. आई नो नॉट सफारी अप्रोप्रिएट क्योंकि प्लान में नहीं था. जे तेरा आउटफिट सफारी अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे. यस चलो. हमारे होटल से यहाँ पे आने तक 66 AED हुए हैं. सोल्ड आउट है, यहाँ भी अपग्रेड अवेलेबल नहीं है. तो अभी अपने पास सिर्फ सफारी पार्क का एंट्री टिकट है, सफारी जर्नी का पास नहीं है. सो अगर आप आ रहे हो तो एडवांस में बुक करो. यहाँ पे ये एक्चुअली पीक टाइम है ना, तो सब कुछ एकदम फुल हो जाता है. हमारे चैनल के मेन स्पीकर मिस्टर जय पंड्या बोलिए. अभी बहुत धूप था तो हर एक विलेज 10-12 मिनट्स वॉक पे है. हाँ, यहाँ पे टोटल 4 विलेजेस है. तो यहाँ से एंट्रेंस से फर्स्ट विलेज है एशिया विलेज, फिर अफ्रीका है, फिर और दो है कुछ, और फिर वहाँ सर्कल होके यहाँ आएंगे. तो यहाँ तो बहुत धूप है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. टैक्सी सर्विस मिलता है तो चाइल्ड जो रहेगा अगर 110 बिलो रहेगा तो 5 AED है पर स्टॉप. अगर सारा चाहिए तो 20 होगा और एडल्ट्स के लिए 40 होगा ऑल्सो. सो ऑल विलेजेस, ऑल 4 विलेजेस पे अगर आपको स्टॉप चाहिए तो 40 AED का टिकट लेना पड़ता है पर पर्सन. कहाँ पे तो देखना चाहो मैं सो रहे हैं. एक बार ज़ूम करके देखते हैं. दिख रहे कैमरा, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 3-4 और पास से दिखना चाहिए था ना. अभी देख, ये सफारी वाला एक्सपीरियंस है. ये वाले क्या बोलते हैं इसको, बेबी भूल गए. ये वाले गाड़ी में लेके जाएंगे अपने को. इसका ये गाइस अवेलेबल नहीं था, हमें ये वाला चाहिए था तो और पास से एक्सपीरियंस कर पाते. देखो गाइस, सफारी चालू हुआ नहीं कि इसको खाने के लिए भाग रहे. अच्छा, आइसक्रीम किसको खाना था? तुझे. दिस इज मिट्टी, आवर फीमेल राइनोसोरस वुमन. जिराफ को फीड करने के लिए इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है. एक ही विलेज कवर किया है हमें, बाकी और 3 करने हैं. मैं भी तेरे दोस्त. मेरे या तेरे? तेरे दोस्त. तेरे हाय बोल रहा है. देखो यहाँ से हमने पिज्जा लिया है. इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज फॉर 50 AED. एंड जे वहाँ से मेरा बर्गर लाने के लिए. टाइम लगेगा तो ये खा लेते हैं ना, ये गरम गरम खाते हैं. दिशा तेरे बेस्ट फ्रेंड. मेरे को कांच में से देखने के लिए भी डर लग रहा है. दिशा के बेस्ट फ्रेंड. अबे वो कांच के अंदर, उसमें क्या डर लग रहा है? सबसे ज्यादा ये लोगों से डर लगता है. हमारा 80% कवर हो चुका है. अभी जस्ट एक विलेज बाकी है और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स है. हमने यहाँ पे 80 AD की टैक्सी ली थी जो हमने सिर्फ एक ही बार यूज की है. हम खुद टैक्सी घूम रहे हैं. एक्चुअली हम उसको 4 times यूज़ कर सकते थे बट अभी तक एक ही बार की. हम सब जगह वॉकिंग करके जा रहे हैं. मिस गाइड किया हमें, बोला कि हर विलेज दूर दूर है. हाँ, सोचे कि इतना धूप में कौन चल के जाएगा. तो हमने बोला ले लेते हैं.
पता चला ये तो बाजू बाजू में निकले। हाँ बहुत पास में, एंट्रेंस से पहला वाला ही थोड़ा दूर था, बाकी सब पास पास में। हाँ और एक्चुअली टैक्सी के लिए इतना लाइन रहता है ना कि आप 15-20 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा, उससे अच्छा 2 मिनट में वॉक करके आप पहुंच जाते हैं। 4 to 5 minutes लगेगा हर एक दिन। गाइस ये देखो ये है सुपर टैक्सी जिसके लिए इतने लोग वेट कर रहे हैं, और ये बहुत टाइम के बाद एक टैक्सी आई है। कितने का है? 589.80 डिस्काउंट के बाद है, 30% ऑफ। एक्चुअली जो प्राइजेज है जो हमारे इंडिया में मिलती है उससे भी महंगे आफ्टर डिस्काउंट, सो आई डोंट थिंक ये यहाँ पे कुछ सेल या फिर आउटलेट मॉल का कुछ फायदा है। व्हाट अ व्यू। Hi guys, it is day 4 या 3-4 जो भी हो, we have lost the count, but आज हम बहुत 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 ज़्यादा लेट है, but actually हमने सोचा कि आज हम थोड़ा आराम करेंगे, आराम से उठेंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे और आराम से निकलेंगे, बिकॉज आराम करते करते 3 बज गए दोपहर के, बिकॉज आज हमें बहुत चलना है, आज हम दुबई मॉल जा रहे हैं विच इज़ लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल, तो 6 घंटा वहाँ तो आराम से चला जाएगा हमारा। और हमने स्पेसिफिकली एक पूरा दिन दुबई मॉल के लिए रखा है क्योंकि हमें पता है हम वहाँ पे इतना थकेंगे कि हमारे पास कुछ एनर्जी नहीं बचेगा कुछ भी और करने के लिए। दुबई फ्रेम विजिट कर रहे हैं और दुबई मॉल जाने से पहले, एंड देन वी विल गो टू दुबई मॉल, और यस फिर शाम को हम बुर्ज खलीफा के यहाँ पे रहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली, वहाँ पे वो जो बुर्ज खलीफा पे काउंटर होता है उसके लिए सब लोग वेट करते हैं, सो वी आर गोइंग टू गो अर्ली देयर सो दैट हमको एक अच्छा लोकेशन मिल जाए, किसी कैफे वैफे में बैठ जाएंगे, एक सीट रिजर्व कर देंगे और फिर वी कैन एन्जॉय द बुर्ज खलीफा व्यू, एंड या दैट्स द प्लान फॉर द डे। हो गया बुक, योर टैक्सी इज ऑन द वे। आज 65 मिनट्स वेटिंग था ना, हम तो बहुत जल्दी आए और इसमें और 65 मिनट्स दुबई मॉल का सुनी है, दुबई मॉल बंद है। बंद नहीं है, वो लोग बुर्ज खलीफा पे जो होने वाला है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उसके लिए पूरा मॉल क्यों बंद कर रहे हैं पता नहीं, शायद वो टैक्सी वाले को जाना नहीं तो। इस मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं नहीं बहुत डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं, अरे कितना छोटा लग रहा है, वो देखो देखो का बंद होता है, देखा guys, this is old Dubai. old भी नया ही लग रहा है। मॉल में आने के लिए टैक्सी वाले कोई भी रेडी नहीं हो रहे थे, बट फाइनली हमें एक टैक्सी वाले ने छोड़ दिया क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे थे। यार सही में जगह है नहीं,
सारा बंद करके रख दिया है। एक्चुअली लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीट पे भी बैठना चालू कर दिया है और वो लोग 12 बजे तक रुकने वाले हैं, सो दैट वो लोग न्यू ईयर का पूरा फायर वर्क वगैरह देख के जो बुर्ज खलीफा पे होने वाला है। जूनी पूनी हम 6 बजे से यहाँ पे आए हैं। लाइक हम लोग मॉल में घूम रहे थे सो दैट हमें बुर्ज खलीफा में ज्यादा मतलब देखने के लिए ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे लाखों लोग हैं एंड दिस इज द व्यू, दिस इज द बुर्ज खलीफा व्यू। मैं आपको दिखा दूँ कि लोग कैसे सड़कों पे बैठे हैं जस्ट टू सी दैट शो, और वो हमें अंदर छोड़ नहीं रहे थे, मॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, वो लोग दूर दूर के एग्जिट से जाने बोल रहे थे, जिससे हमें बुर्ज खलीफा नहीं दिखता था, बट जस्ट बिकॉज अच्छा व्यू नहीं मिला एग्जैक्टली, बट जस्ट बिकॉज वेयर हस्बैंड एंड वाइफ वो छोड़ रहे हैं, स्टैग एंट्री को छोड़ नहीं रहे बिकॉज दिस इज फैमिली एरिया, फैमिली के लिए एक अलग लेन है तो यहाँ पे से फैमिली वाले अलाउड है एंड लकीली वी गॉट अ स्पॉट। देखिए यहाँ पीछे देखो सब रस्ते पे बैठे हैं ऐसे, ये बहुत दूर तक है, ये तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रीट बंद करके रख दिया, पूरा स्ट्रीट बंद कर दिया है, कोई भी गाड़ी वीड़ी कोई नहीं चल रही है यहाँ पे, दिस इज आवर टर्न। लाइट शो हो चुका है और हम जिस साइड खड़े थे वो साइड से वो स्क्रीन नहीं था, हमें थोड़ा सा हमें साइड वाइज दिख रहा था, बट जो फायरवर्क्स था वो 360 हो रहा था तो वो हमें अच्छे से दिख रहा था, बट जो हैप्पी न्यू ईयर वगैरह लिख के आता है ना वो नहीं दिख रहा था। उसके लिए आपको होटल में रिजर्वेशन चाहिए और लाइक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे पर सीट 2080 था, हमने बोला कि नहीं इट्स ओके थैंक यू। सो एनी हाउ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड इट्स माय बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे लव गाइस। कभी घोड़े पे पुलिस देखी है? देख लो दिशा, हम लोग 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आ चुके हैं बुर्ज खलीफा में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी मिलने का चांस ही नहीं है, ऊपर से भी पता चला है कि आज टैक्सी सर्विस बंद रहने वाली है, और हमारा होटल अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, टैक्सी नहीं मिलेगा, ऊपर मेट्रो है, मेट्रो से जाना पड़ेगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से चल के जाओ, या फिर नसीब है तो तुमको टैक्सी मिलेगा वहाँ से, पर यहाँ तो नहीं आएगा टैक्सी, पर रोड क्लोज है और हमारे पास मेट्रो कार्ड भी नहीं है। ऊपर कार्ड मेरा बर्थडे ब्रेकफास्ट बहुत ही स्पेशल है यहाँ पे, इट्स वेरी नाइस। हम जैसे ही ब्रेकफास्ट पे जाते हैं हमारा बेड ये लोग ठीक कर देते हैं, हम लोग बोलते भी नहीं है इन्हें करने के लिए, बट इनका सर्विस इतना अच्छा है कि ये लोग हमारा बेड लगा देते हैं, फ्लोर क्लीन कर देते हैं, चेयर्स एंड ऑल सब जगह पे रख देते हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं, फ्रेश टॉवल्स एंड एवरीथिंग सब दे देते हैं, तो इनका हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा सर्विस है दैट आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड मेरियड, अगर आप स्टे करना चाहते हो तो। ये तो सब हमारा मैस है बट एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज। Hey guys, welcome back to our channel. आज है day 5 and आज है दिशा का birthday. Happy New Year to all guys. Yes, so, wish you all a very very happy New Year, a happy healthy and prosperous New Year. Guys, हम इतना धीरे बात कर रहे हैं क्योंकि हम बुर्ज अल अरब में आए हैं और यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत ही सन्नाटा है. This is world's only 7-star hotel, so we thought कि आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है यहाँ पे आने के लिए, so we just wanted to make this stay special, coming to this special place. So यहाँ पे हमने एक 90 minutes का tour book किया है, which
उसका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. वी हैव जस्ट कम एंड दीज आर द पासेस दैट वी गॉट. तो यहाँ से अब एक बगी है कि एंड दे विल टेक अस फॉर अ टूर एंड देन वील ऑल्सो विजिट द कॉस्टलीस्ट स्वीट इन अ होटल इन द वर्ल्ड एंड वील सी लाइक दैट स्वीट इज़ नॉट फॉर सेल. अभी उन्होंने वो बंद करके जस्ट फॉर टूर के लिए रखा है. So we're gonna see that and after that we have a very exciting day planned. We are going to go to Burj Khalifa, then aquarium and have a good dinner at the end. So stay tuned till